नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना भूतपूर्व सैनिकों, देश एवं प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना के वीर जवानों के द्वारा पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और मान को स्थापित करता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि भारत के सैन्य इतिहास में 16 दिसंबर वीरता व पराक्रम के ऐतिहासिक दिन है। किसी दिन मात्र 13 दिन में भारतीय सैनिकों के साहस व बहादुरी के सामने नतमस्तक होकर पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। हमारे सैन्य इतिहास की यह सबसे बड़ी विजय थी। मुख्यमंत्री ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमारे सैनिकों के पराक्रम से पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूट गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीरभूमि भी है। यहाँ सदैव देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना हमेशा से रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सैनिकों के प्रति श्रद्धा का भाव है। प्रदेश के सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जा रहा है। इसके लिए जिलों में SDM स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में भारतीय सेना को समर्पित एक ऐसा भव्य स्मारक बनाया जाएगा जिसमें भारतीय सेना का गौरवमय इतिहास झलक प्रदर्शित किए जाएगी। इससे हमारी भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि देश की रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक हमेशा तत्परता के साथ अपना योगदान दे देते हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने सैनिकों की वीरता पर नाज है और पूरा देश उनकी बहादुरी को नमन करता है। प्राइम न्यूज 24 के लिए श्वेता सिंह की रिपोर्ट।